तूफान नहीं छोड़ेंगे ये मैदान। मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, बाबू आया आपके द्वार। बाल बाबू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जब बाबू बोला है सिंहासन डोला है, टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। गहलोत साहब से यही बात कहना चाहता हूँ, हमारी ये नई नई मोहब्बत है और आपने बेवफाई कर दी, हम आपको दिल से चाहने लगे। ये बाबू आपको दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री बनवा देगा। एक बार अपना ईगो हटा दो, त्याग दो और इस बाबू का भला कर दो। बाबू आपको दुआएं देगा क्योंकि हमने उनसे मोहब्बत कर ली है ये, लेकिन मोहब्बत का वफा चाहिए हमें। ना हारे थे, ना हारे हैं, ना हारेंगे, इसी जज्बात के साथ राज्य मंत्रालय कर्मचारी पिछले इतने दिनों से धरने पे हैं। 45 डिग्री की गर्मी नहीं देखी इन्होंने, आज जो आंधी आई वो नहीं देखी, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो आज बारिश आई है उसमें इनके टेंट, आंधी के चक्कर टेंट ये सब गिर भी गए। सर मैं आज पूछना चाहूँगा, इतने दिन हो गए आप लोग धरने देते हुए, इसके बारे में कुछ कहें। देखिए, राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी है और ये 2013 से पीड़ित है, और ये मंत्रालय कर्मचारी ये सोच के आया है अब की बार कि ये सरकार से न्याय चाहता है, और जब तक सरकार इनके न्याय प्रदान नहीं करेगी, जब तक ये राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी सिपरा पद छोड़ेगा नहीं। चाहे आंधी आए या तूफान आए, इनकी मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी मांगे नहीं हैं, इनका एक न्याय पत्र है और इनको न्याय चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि इनकी जो समकक्षता है, जो 1986 से पहले जो समकक्ष कैडर थे उनके समानता की मांग कर रहे हैं हम, और एक जो हमारे कैडर है समान, कैडर सचिवालय के समान, उनकी मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो मंत्रालय कर्मचारी है ये बरसों से पीड़ित रहा है, सरकार ने इनका शोषण किया है, तो आज मंत्रालय कर्मचारी जो महापड़ाव लगा है हमारा, लगभग 47 दिन आज हो गए हैं, और हमने 5 दिन का जो हमारा अनशन का कार्यक्रम था, जो माननीय मंत्री महोदय आए थे उन्होंने पूरे आश्वासन देके हमारा आमरण अनशन कल ख़त्म करवाया है। माननीय मंत्री जी हमारे जो महेश जोशी जी हैं वो 2 दिन का समय लेके, भाई 2-3 दिन में आपकी मांगों पर निर्णय कराता हूँ, तो राजस्थान की सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि आज हमारे जो ये महापड़ाव है इसमें एक साथी है जो हमारा चितावा बूंदी जिले का है, उसके गहरी चोट आई है इस आंधी तूफान में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी संवेदनशील होते हुए हमारी जो मंत्रालय कर्मचारी इनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय करके, और हम निर्णय करें जिससे कि हम हमारे कार्यालयों में जाके सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने में पूर्ण भूमिका निभा सके। हमें पता चला कि 400 किलोमीटर से पैदल चलकर आपके इस धरने में आ रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं आप कौन है वो? सरकार बिल्कुल बहुत इस बात के मैं आपको बिल्कुल संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारी पीड़ा है, तभी आप ये देखिए कि 45 डिग्री में भी आदमी यहाँ बैठा है, ये टेंट अभी तहस नहस हो गया है, लेकिन हमारे हौसले तहस नहस नहीं हुए हैं। हम इस टेंट को आज रात को पूर्ण तरह दोबारा लगा देंगे और एक कटल पंडाल आपको पुनः खचाखच भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये हमारी 30 साल की पीड़ा है, और हम 30 साल की पीड़ा के बाद हम 2013 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने 2013 में भी पड़ाव डाला, 2018 में भी हमने पड़ाव डाला था, और 2023 में भी हम पड़ाव डाल रहे हैं। नहीं, मैंने जो सुना है कि एक कर्मचारी आपके 400 किलोमीटर से पैदल चलते हुए इस धरने में आ रहे, तो उनके बारे में मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये हमारी पीड़ा है, इसलिए हम ये इसके प्रतिक्रिया है। वो आदमी जो 400 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहा है, ये उसकी पीड़ा का प्रतिक्रिया है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, 45 डिग्री के टेम्परेचर में आप कह रहे हो बिल्कुल, और अभी आपने देखा कि टेंट तहस नहस है, लेकिन यहाँ आप देखिए जनता और यह हमारे बाबू भाई है वो यहाँ से गया नहीं है, और आपको आज रात को ये टेंट तुम्हें दो तैयार मिलेगा, और कल सुबह आपको वही संख्या मिलेगा जो आप पहले से देखते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस गर्मी में, बारिश में, आंधी में इनका जज्बा आज भी वैसे ही बरकरार है जैसे पहले दिन बरकरार था। सारी टीम मिलके यही कह रही है कि इस टेंट को चाहे हमें सारी रात लगाना पड़े, सारे हमें सबको मिलना पड़े, लेकिन इस टेंट को रात को ही लगा के हम वैसे के वैसे इस धरना स्थल पे बैठेंगे। इतने समय से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जैसे आज हमने देखा कि आप लोगों के टेंट वेंट सब उखड़ गए हैं वहाँ की जगह, आज आप लोग यहाँ बैठे हुए, लेकिन धरना आपने लोगों ने छोड़ा नहीं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं गहलोत सरकार को? देखो, ये संघर्ष अभी 40 दिन हो गए हमारा चल रहा है, 45 दिन है, आगे भी चलता रहेगा। गहलोत साहब से यही बात कहना चाहता हूँ, हमारी ये नई नई मोहब्बत है और आपने बेवफाई कर दी, हम आपको दिल से चाहने लगे, और विश्वास है कि जो हमारी मांगे हैं वो आप ही पूरी करोगे, ये लास्ट तक हमें विश्वास रहेगा, और हम अब की बार आपके तन मन धन से साथ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके हाथों से हमारा कल्याण हो जाए, कई हमारे साथी है वो जान दे चुके हैं, लेकिन विश्वास है वो दिल से वो केवल आपके ऊपर है,
ये विश्वास की जीत होगी। हम आपकी योजनाओं को, चिरंजीवी योजना है, उड़ान योजना है, पालनहार योजना है, ये कोरोना में जो कर्म बच्चे अनाथ हुए उनके लिए स्वावलंबन योजना है, 18 साल के बाद में उनकी पेंशन होने वाली है, वो सारी योजनाएं जन 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 तक पहुंचा देंगे। लेकिन एक बार हमारी पीड़ा तो सुनो, हम काफ़ी समय से दुखी हैं, हर बार हमारे साथ धोखा होता है। एक बार हम पर विश्वास करके देखो, एक बार यदि हम पर विश्वास कर लिया तो ये बाबू आपको दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री बनवा देगा। एक बार विश्वास तो करो हम पे, यही कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि 40 दिन से हमारे साथी बैठे हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमें अखिल अरोड़ा जी से पूरा विश्वास है, कुलदीप राका जी से, इनसे भी हमारी उम्मीदें हैं कि बाबू का भला कर दो, आप इतिहास में अमर हो जाओगे। आपको ये बाबू पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेगा। एक बार अपने दिल से सोचो कि इनकी तनख्वाह सबसे कम है, हमारे साथ सचिवालय में बैठा बाबू तीसरा प्रमोशन ले चुका है लेकिन हम प्रमोशन को तरस गए हैं। एक बार अपना ईगो हटा दो, त्याग दो और इस बाबू का भला कर दो, बाबू आपको दुआएं देगा। मैं कहता हूँ ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, महाकाल के भक्त हम आपसे प्रार्थना करेंगे और आपकी सरकार और आपके खुशहाली बनी रहेगी। और यदि हम यहाँ से दुखी होके जाएंगे तो हम गहलोत साहब को अब क्या करें, इच्छा तो नहीं है लेकिन उनके विपरीत हमें वोट देना पड़ेगा क्योंकि हमने उनसे मोहब्बत कर ली है ये, लेकिन मोहब्बत का वफा चाहिए हमें। इसीलिए गहलोत साहब को इनका यही है कि इस बार आपसे मोहब्बत किए बेवफाई ना करें, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ दें। धन्यवाद।